पंजाब दा दिल कहे जाण वाले शहर लुधियाना, सनती शहर लुधियाना, पंजाब दा मानचेस्टर कहे जाण वाले शहर लुधियाना, पंजाब दे कल्चर व्यापार नू रीप्रजेंट करन वाला शहर लुधियाना अज मेरे रूबरू है। सारयां नू सब तो पहला मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, मैनू अज समझ नहीं आ रहा मैं की बोला। वैसे एहो जिहा फंक्शन देख के बड़े बड़े शब्दों के जिहड़े जादूगर ने उन्होंने शब्द भी जिहड़े ने वो मुक जाते हैं। एक बारी अपने आप लई जोरदार ताड़ियां जिहड़ी तुसीं एफर्ट कीती है। जिन्हां चीज़ां नूं पंजाब भुल गया सी, जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां खेडां अलोप हो रही सी, इक्को ही खेड सी जिहड़ी वो सारियां नूं ओवरशैडो करी जांदी सी। खेड वो भी वधिया, खेड कोई नहीं माड़ी, पर गोला सिट्टन वाले किधर गए सी? लंबी छाल वाले, उच्ची छाल वाले, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 5000 मीटर, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, और इनिया खेडा शामिल असी कीतियां। मैं उहदे लई साडे नौजवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर का भी मैं धन्यवाद करदा, उन्हां दी सारी टीम का धन्यवाद करदा कि वाकई ये खेडा वतन पंजाब दियां सी। ते जिहड़े खिडारी जितते ने, चाहे वह तहसील लैवल ते जितते होण, चाहे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते, चाहे स्टेट लैवल ते जितते होण, मेरे वल्लों सारयां नूं बहुत बहुत वधाइयां। जिहड़ा फस्ट आ गया, जिहड़े फस्ट आए ने, मैं उन्हां नूं वधाई दिंदा ते नाल एक छोटी जी सलाह दिंदा कि फस्ट आके हंकार नहीं करना, हंकार नहीं करना, क्योंकि फस्ट आने वाले दे विच सब तो वड्डा योगदान सैकंड ते थर्ड वाले दा हुंदा है, जे वह ना हुंदे मुकाबला ही नहीं होना सी। सो जिन्हां भी टीमां ने भाग लिया इस खेड मेले नूं बहुत उच्चा लेके गए पहले साल ही। सच पुछो तो सानू उम्मीद नहीं सी कि इन्नी वड्डी गिणती दे विच बच्चे, इन्नी वड्डी गिणती दे विच नौजवान, इन्नी वड्डी गिणती दे विच साडे वैटरन प्लेयर खेडां दे विच हिस्सा लैणगे। जिस तरह मीत हेयर ने दस्या, एक घर दे तीन पीढ़ियां दे जिहड़े बछिंदे सी उन्होंने हिस्सा लिया। इत्थों ये सिद्ध हुंदा है कि थोड़े जिहा तरसे पए सी कि सानू भी कोई मौका मिले। कुदरती जदों खेडां चल रही सी, मैं पंजाब दे वख-वख हिस्सें जांदा सी, तां मैं एक पिंड दे विच जा रहा सी, सड़क तों बहुत रश होया पिया सी। मैं पुछया, मैं कहा भी पुछो की हो गया, कहिंदे जी बास्केटबॉल दा मैच चल रहा। मालवे दे एक पिंड दी गल दसदा, बास्केटबॉल दा मैच चल रहा है, आले दुआले तो 10 पिंड देखण आए हुए ने। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वह आपां रिवाइव करनियां ने। और जिस तरह पहलां दस्सिया, मैं खुद एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हाँ, मैं खेडां नूं प्यार करदा। मैं चाहुंदा कि खिडारी जिहड़े ने जदों खेड रहे होण, उन्हां नूं कोई घर की चिंता ना होवे, उन्हां नूं कोई अपने खाण पीण की रोटी पानी की चिंता ना होवे, उन्हां नूं आपदे परिवार की आर्थिकता की चिंता ना होवे, तां उह वधिया खेडणगे। सो असी फैसला कीता कॉमनवैल्थ दे विच जिन्ने भी साडे खिडारी पंजाब दे जित के आए है, उन्हां नूं आउण सार असी करोड़ां रुपया उन्हां नूं वंडिया। और वो आप कह रहे सी कि पहली बार होया जी कि जिहड़े महीने खेडां खत्म होईयां ने उसे महीने पैसे मिल गए, नहीं तो 4-4 साल बाद सानू भी नहीं पता लगता हुंदा सी किहड़ियां खेडां दे पैसे दे रहे हैं, क्योंकि 2-3 बारी होर इंटरनेशनल खेड आउंदे सी। सो खेडां दे विच पंजाब अव्वल दर्जे ते लैके आउणा है, वह मैं नहीं लैके आ सकता, वह कल्ला मीत हेयर नहीं लैके आ सकता, वो कल्ला प्रशासन नहीं लैके आ सकता, उहदे वास्ते थोड़ा सारयां दा सहयोग चाहीदा। मैं देख रहा सी झूमर, मैं देख रहा सी मलवई गिद्दा, मैं देख रहा सी साडे मुंडे कुड़ियां, छोटे छोटे बच्चे भी सी, वो किस तरह साडे कल्चर नूं रीप्रजेंट कर रहे सी, कल्चर की प्रतिनिधता कर रहे सी।
बड़े होके जो इस तरह दी सेरेमनीज देखेंगे तो बड़े होके आप भी उदा हिस्सा बनना चाहोगे। तुसी हजारों की गिनती जज बैठे हो तो आड़े चो भी बहुत सारे इतों जड़िया थोड़े अंदर छोटिया छोटिया चिंगारियां ने उन्होंने भांबड़ बना के लैके जाना है कि असी भी कल इस ग्राउंड का हिस्सा होना है, असी भी जित के आना है, असी भी गोल्ड मैडल जितना है, असी भी सिल्वर जितना है। सो मेरी उम्मीद मेरी जी इच्छा मेरी उम्मीद जी है कि पंजाब ओलंपिक खेडों के पोडियम से जदों अनाउंसमेंट हो पहले वार्ड की दूजे तीजे की पहले दूजे तीजे तो हरेक गेम के चाहे वह पोल वाल्ट है चाहे वह अथलैटिक्स है जिमनास्टिक है जिहड़ी मर्जी गेम है स्विमिंग है घट्टो घट हरेक गेम के पंजाब का एक अद्धा प्लेयर यह जहा हो जिहड़ा उस पोडियम के उत्ते चढ़ के मैडल लैंदा होवे ते साडे देश का झंडा उपर जांदा हो। अज ये मैं जिहड़ियां खेडां सी 29 अगस्त नूं असीं शुरू कीतियां सी उदे मेजर ध्यान चंद हाकी के जादूगर का जन्मदिन सी उस दिन अं शुरू कीतियां सी 2.5-3 महीनों तो बाद चले। अज एक गल ही मैं तुहाडे तो होर तुहानूं मैं बधाई भी इस गल की देनी चाहना कि तुसी हिस्सा लिया जितते हारे बाद की गल है गेम नहीं हारनी चाहिए मैच हारा जितता हो जाता हुंदा ते साडे आजादी के परवानिया ने जिन्होंने सानू आजादी लैके दिती है कल ही हजे मैं सराबे आया सी शहीद करतार सिंह सराबा जी की बरसी सी ते अज लाला लाजपत राय जी की बरसी है जे किते ओ योधे अपने गलां दे विच फांसियां दे फंदे ना पवांदे ते साडे लई डांगा ना खांदे शायद आ स्टेडियम गोरियां नाल भरिया होना सी शायद आपां किते इत्थे बाहर किते उन्हां दे वर्कर दे तौर ते काम कर रहे होंदे। सो इस करके उन्हां योधियां नूं भी याद रखना है जिन्होंने सानू ये दिन दिखाया है। इन्हां खेडां चों जिहड़े प्लेयर ने वो हुण स्टेट लैवल ते जाणगे पंजाब सरकार अपने खर्चे ते भेजूगी कोई तमिलनाडु जाणगे खेडण कोई उड़ीसा जाणगे कोई महाराष्ट्र जाणगे कोई मध्य प्रदेश जाणगे जिथे भी खेडां होणगियां पंजाब सरकार साडे प्लेयरां नूं माण नाल भेजूगी ते जित के आउण वालियां नूं अखां ते बिठा के सन्मान करूगी क्योंकि जदों ग्राउंड नाल प्यार हो जांदा है तां शरीर नाल प्यार हो जांदा है शरीर नाल प्यार हो गया तां असीं जिहड़ियां लामतां साडे ते लगदियां ने आ साडे ते जिहड़े लगते ने साडे ते दाग वह सारे दाग धो लांगे। पंजाब बहुत वारी डिग्गिया है पर याद रखियो पंजाब बहुत वारी उठिया भी है की होया जे पत्त चढ़ाई तू अगली रुत विच यकीन रखी मैं लभ के लिया कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी फुल्लां जोगी जमीन अज मैं देखी है इत्थे बहुत सोहने फुल खिड़नगे। एक बारी फिर अपने आप के नाते मैं चाहूँगा तुसी ताड़ियां मारो शहीद भगत सिंह युवा अवार्ड यूथ अवार्ड बंद पिया सी शहीद भगत सिंह यूथ अवार्ड वो असी शुरू कर रहे हैं उहदे विच बहुत सारे नौजवान जिन्होंने वख वख खेत्रां दे विच मल्लां मारियां ने उन्होंने एप्रीशिएट किया जाऊगा। देखो गल ये है सोने का मैडल तो प्लेयर ने जितना है चांदी का मैडल प्लेयर ने जितना है कांसी का मैडल प्लेयर ने जितना है पर जे उन्हू एयरपोर्ट पर आए नू ढोल वजन जे उन्हू मोढ़ियां ते चक के अपने पिंड वाले अपने पिंड का गेड़ा दे दें तो उन्हू मैडल नालों भी ज़्यादा खुशी होंदी है कि मैनू मेरे लोग प्यार कर रहे हैं मैनू मेरे लोगों ने इज्जत दिती है। सो वो अवार्ड भी शुरू कर रहे हैं बहुत चिर तो अवार्ड बंद पिया सी अवार्ड छड्डो आ लाइटां 5 साल बाद जगियां ने आ लाइटां बंद पईयां सी 5-6 साल बाद जगियां ने आ साडी स्पोर्ट्स नीति सी पहलां आ साडी स्पोर्ट्स नीति सी सिर्फ एक कहण नूं बस एक नाम नूं खेडां करा लिया जांदियां सी पर थल्ले तक खेडां पहुंचदियां नहीं सी जिवें कि सरकारां दियां स्कीमां हुंदियां सी पहलां उत्तों उत्ते बन जांदियां सी थल्ले तक पहुंचदियां नहीं सी इस तरह खेडां भी साडे कोल तां पहुंचदियां नहीं सी इत्थे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आ के करोड़ां रुपया लै जांदे सी 5-5 मिंट का असीं देखते रह जांदे सी ते साडे प्लेयर कित्थे ने करोड़ां रुपया उन्हां नूं दे दिंदे किते ओह वध प्रैक्टिस कर लैंदे उन्हां नूं खुराक मिल जांदी उन्हां नूं कोच वधिया मिल जांदे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जांदा होर ज़्यादा उपर जांदे पर नहीं उन्हों का ध्यान कितने होर सी। सो मैं पंजाबियों
मेरे सामने बैठे हजारा नौजवान मुंडिया नू, हजारा नौजवान मुंडिया नू, कुड़िया नू, बुजुर्गा नू, मेरे सीनियर्स नू, मैं इस गल दी समर्थन मंगदा कि आओ आपां कट्ठे होके आ पंजाब बनाईए जिहड़ा अपने सामने नचदा सी, जिहड़ा अपने सामने नचदा सी, जिहड़ा अपने सामने झूमर पाउंदा सी, इहो जिहा पंजाब जिहड़ा खेडदा सी, जिहड़ा कबड्डियां पाउंदा, मुगदर चकदा, कुश्तियां करदा पंजाब। मेरी टीम दे सारे MLA बैठे ने, लुधियाना हल्के दे सारे MLA, मेरे MP साहब बैठे ने, मंत्री साहबान बैठे ने, मेरी कैबिनेट दे मुहम्मद सदीक साहब बैठे ने, MP ने फरीदकोट तो, लुधियाना शहर के बछिंदे ने। और मैं तो जो लुधियाने आया सी तो मैं इन्हां नाल ही काम शुरू किया सी। सो पार्टियां बाद दी गल है, पर असी कट्ठे होके रहना है, क्योंकि मैं पार्लीमेंट दे विच एक बारी डिबेट होई, वो डिबेट दे विच दो दो घंटे बोले, इन्हां नूं ऐ करना चाहिए, आ समाज नूं ऐ कर देना चाहिए, आ समाज नूं ऐ कर देना चाहिए। मैं कहा जी मैनू भी टाइम दे दो, कहिंदे नहीं बस 4.5 घंटे बहस हो गई, हुण मंत्री जी अपना भाषण देणगे। मैं कहा जी मैनू 30 सेकंड दे दो जी, तो मैं स्पीकर साहब कहिंदे 30 सेकंड च की बोलेगा। मैं कहा जी इन्हां दे दो दो घंटे, मेरे 30 सेकंड, बस एक बारी बोलण दा मौका दे दो, माइक ऑन कर दो। माइक ऑन किया, मैं यही गल बोली सी कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सो सानू तो वैसे भी भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा, अज तो वैसे भी भारत के नग मन्ने जाने, तो इस नग नू होर लिशकाउणा है, इस नग नू होर चमकाउणा है, ताकि बड़ी जल्दी अपना जिहड़ा सूबा है पढ़ाई च भी, अपना सूबा व्यापार च भी, अपना सूबा खेडां च भी, अपना सूबा कल्चर च भी नंबर वन सूबा बनाउणा, नंबर वन सूबा। और बन जूगा जिस तरीके का सहयोग तुसी दे रहे हो, बन जूगा। और इहो जिहे वेले इन्नी रात गए तुसी अपने घरां चों आए, तुहाडे मापिआं दा बहुत धन्नवाद जिन्हां ने तुहाडे ते विश्वास कीता कि तुसी खेड सकदे हो, जाओ पुत बाहर निकलो, क्योंकि देखो तुसी पिंडों बाहर निकलोगे नवे नवे आइडिए मिलने, थानू नवे नवे तरीके मिलने, खेडों के नवे दोस्त बनने। इस तरह असी किया, संगरूर वालों रोपड़ भेजा, रोपड़ वालों फरीदकोट भेजा, फरीदकोट वालों अमृतसर भेजा, उन्हों का भी पंजाब प्रति उन्होंने देखा बहुत कुछ देखा, दरबार साहब के दर्शन किए हो, बाकी होर जिन्हें भी साढ़े धार्मिक स्थान ने, जिन्हें भी गिने हुए मन्ने परमन्ने धार्मिक स्थान ने या टूरिज्म प्लेस ने, वो देखे होंगे। इस तरह हुण तुहानू असीं देश च भेजांगे, उहदे नाल जो ट्रैवल करदे हो उहदे नाल तजर्बा वधदा है। वो कहिंदे आ सियाणे कहिंदे आ कि प्रैक्टिकल ज़्यादा काम करदा थ्योरी नालों, आ जिहड़ा प्रैक्टिकल तुसीं कर रहे हो, जिन्हों जदों तक तुसीं किसी इंटरनेशनल गेम दे विच जाओगे उस तक तुहानू नैशनल लैवल दा इन्ना एक्सपीरियंस होवे कि तुसी उत्थे जाके सिर्फ ये ना देखो कि यह गेम मैं किवें खेडूंगा, मेरे बूट किहो जिहे ने, उहदे बूट किहो जिहे ने, तुहानू सब तो बैस्ट वर्दियां मिलणगियां, तुहानू सब तो बैस्ट बूट मिलणगे। इदू पहलां सिर्फ अधिकारी जां जिहड़े अफसर सी उही बूट पाउंदे सी, खिडारियां नू बूट नहीं मिलदे सी, नंगे पैरीं भजना पैंदा सी। मेरे कोल बहुत सारियां एग्जाम्पलां ने। सो अज की होया, तुहाडे सामने एक सुच दबी है, एक सुच दबी है, 6,85,00,000 रुपया उन्हें प्लेयरां दे खाते च चला गया, तुहाडे सामने चला गया, तुहाडे सामने। जे नीयत चंगी होवे सब कुछ हो जाता, कोई खजाने नहीं खाली होंगे जे नीयत चंगी होवे। आपां तां दिन रात टैक्स दिंदे हो तुसी, कई मैनूं पुछ लैंदे जी असीं कदों टैक्स दिंदे आ, मैं कहा टैक्स दिंदे हो तुसी, कहिंदे कदों दिंदे आ, मैं कहा तुहानूं पता ही नहीं लगदा तुसी टैक्स कदों दिंदे हो, कहिंदे दसो, मैं कहा सवेरे उठदे आ अमृत वेले चाह बनाउणी है, सिखां दी डब्बी माचिस कढ़ी तीली जलाई टैक्स शुरू, क्योंकि सिखां दीआं डब्बियां माचिसां खरीदण जाओगे बाजार च टैक्स लगता है, जे गैस सिलेंडर है तो फिर लाइटर का बटन दबाया टैक्स शुरू, चाह पत्ती पाई टैक्स, चीनी पाई टैक्स, दुध पाया टैक्स, हुण तां सेंटर ने आटे ते भी टैक्स लाता, परौंठे ते भी 18%, उस तो बाद फोन करते हो टैक्स, रिश्तेदार नूं मिलने जाना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया टैक्स, सब्जी लिया आउंदे होए बाजारों टैक्स, ते रोटी रूटी खा के मंजे ते बह के सोचते हो चलो सौण तो पहला हुण नहीं टैक्स पैंदा होना,
गलतफहमी चो जी उपर पखा चल रहा है टैक्स, जनता तो 24 घंटे टैक्स दे जाती है जी। जे जनता 24 घंटे टैक्स दे रही है तो खजाने किमें खाली हो जाते हैं इन्हों के फिर सरकार के, वह खजाने भी भरेंगे तो खजानिया का पैसा खेडों के रूप च, सिक्ख्या के रूप च, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च, बिजली मुफ्त के रूप दे विच, मुफ्त इलाज के रूप च, हस्पतालों के रूप च, मोहल्ला क्लीनिकों के रूप च तुहाडे कोले वापस आऊगा। जिन्ना भी तुसीं टैक्स भरोंगे तुहाडे कोले वापस आऊगा सारा। सो मैं जिन्हें भी मौजूद हाजरीन मेरे तो सीनियर बहुत व्यापारिक शख्सियतां बैठिया ने मेरे सामने, मेरे नाल दे मेरे कुलीग बैठे ने, सीनियर सिटीजनस बैठे ने, बहुत सारे वैटरन प्लेयर बैठे ने जिन्होंने मल्ला मारिया, सारे कोचिज नू मैं बहुत बहुत बधाई देना जिन्होंने वो सारा 2.5 महीने अपनिया मेहनतों के नाल अपने बच्चों तैयारी करवाई, टैक्नीक सिखाइया, इतों बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो जिन्होंने इन्ना सोहना फंक्शन किया, मैं सारी टीम नू डिप्टी कमिश्नर लुधियाना और कमिश्नर पुलिस मनदीप सिद्धू जी और जिन्हें भी स्पोर्ट्स न रिलेटड तो प्रशासन न रिलेटड अफसर साहबान ने जिन्होंने सहयोग दिता है मैं सारे नू बहुत बहुत बधाई दिना। तो एक बार फिर मैं यही कहना कि यह पंजाब जिहड़ा है ये साड़ी ये वो धरती है जिन्हों गुरुआ पीरां दी चरण छो प्राप्त है, ये वो धरती है जिथे शहीदां ने अपने अपने खून नाल जिहड़ा सिंजिया होया साड़ी धरती नू। सो असी इस पंजाब नू नक्शे ते दुनिया दे ते इस तरीके नाल लैके आउणा है कि लोकी देखण कि हाँ पंजाब जिहड़ा एक सूबा है पर सूबा नहीं वो देश पंजाब है, ताइयों इहनू देश पंजाब कहने आ। वीरो एक होर खुशखबरी की गल है, तुसीं पिछे कल देखिया होना G20 सम्मेलन होया इंडोनेशिया च, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति उत्थे आए, साडे भारत के प्रधानमंत्री भी उत्थे गए हुए सी। वह जिहड़ा G20 सम्मेलन है उहदा जिहड़ा अगला जिहड़ा हुण भारत उहदा बन गया चेयरमैन, हुण जिहड़ा अगला सम्मेलन होगा खुशखबरी की गल है जिहड़ा G20 का अगला सम्मेलन होगा एजुकेशन के मुद्दे पर, वह श्री अमृतसर साहब विखे होगा 14-15 मार्च में होगा। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े बड़े जिहड़े उन्होंने अंबैसडर्स आउणगे, साडा कल्चर भी दिखावांगे असी, बार्डर भी दिखावांगे बागे वाला, असी जलियाँवाला बाग भी दिखावांगे, असी दुर्गियाना मंदिर भी दिखावांगे, असी राम तीर्थ भी दिखावांगे, असी नाल दरबार साहब के दर्शन करावांगे कि किमें जिहड़ी लखां लोग जिहड़े उत्थों अपनी मन नूं सुकून लैके जांदे ने उत्थों। सो असी यही कोशिश कर रहे हैं कि सानू इंटरनेशनल बड़े बड़े सम्मेलन मिलन ताकि असी इंटरनेशनल बड़े बड़े जिहड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने जदों उन्हां नूं होस्ट करांगे उन्हां दे मेज़बान बणांगे तां पंजाब दुनिया के नक्शे ते तां पहले ही होर उपर उठूगा। तो उस तो बाद हो सकता है आने वाले दिनों च रब करे तंदुरुस्तियां बख्शे परमात्मा, आने वाले दिनों आपां नूं खेडां दे भी इंटरनेशनल कोई स्पोर्ट्स दे आपां नूं मेज़बानी मिल जाए तो आपां नूं दिखा दिए कि साढ़े कोल स्टेडियम ने, साढ़े कोल प्लेयर ने, साड़ी मेज़बानी तो पहली मन्नी हुई है। सो इस करके मैं सारे पंजाब नूं, पंजाबियों नूं और जिन्हां प्लेयरां ने हिस्सा लिया उन्हां नूं, उन्हां दे कोचिज़ नूं और उन्हां दे मापियां नूं बहुत सारी सारी ढेर शुभकामनावां दिना, बहुत बहुत बधाइयां दिना। तो मैं उम्मीद अगले साल इनू कई नाल गुणा करांगे, आपां इस रंग नू कई रंगां नाल गुणा करांगे तां फुलवाड़ी जिहड़ी है अपनी फुलवाड़ी दे विच नवें फुल आउणगे। बहुत बहुत धन्नवाद, दोनों हाथ उपर चक के, दोनों हाथ उपर चक के दो नारे और इनकलाब जिंदाबाद दे जिन्हां करतार सिंह सराबे होरां दा जमा पिंड नाल ही है उन्हां दी आत्मा नू सुकून मिल जू, हैगे ने जिन्हां ने हजे इनकलाब दा दीवा बुझण नहीं दिता। इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जिउंदे वसदे रहो, तरक्कियां माणो और उम्मीद करदे आं, रास करदे आं तुहाडे सारयां दे घरां च तरक्की आवे, तंदुरुस्त रहो, बदो फुलो, बहुत बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल सारयां नूं, तुसीं माण इज्जत दित्ता मैं सारी जिंदगी नहीं भुलूंगा, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत 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 शुक्रिया। मुख्यमंत्री साहब तुसी गल करोड़ों की गल कर रहे सी, फ्लडलाइटा की गल कर रहे सी, तुसी सिर्फ 8 महीनों के समय में खेडों के जो काम किए ने कॉमनवैल्थ गेम्स के मैडलिस्ट